नवनीत राणा आणि विरुद्ध ओवैसी असा सामना रंगलेला दिसतोय। 15 सेकंद पोलीस हटवा ओवैसींना कळेल असा इशारा असा आव्हान राणाने दिलेला आहे। तर एक तास घ्या ओवैसींचं राणांना प्रत्युत्तर समोर आलेलं आहे। नवनीत राणा विरुद्ध ओवैसी असा सामना रंगलेला आहे। 15 सेकंद पोलिसांना हटवा आणि ओवैसींना कळेल असा आव्हान असा इशारा राणाने दिलाय। तर एक तास घ्या असं उत्तर ओवैसींनी दिलेलं आहे। मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड दे दीजिए, आप बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास अख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि एक घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है, हम तो तैयार है। देखिए, इस पूरे चुनाव में जो मेन मुद्दा है वो है समाज में नफरत फैलाने वाला। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी समाज में नफरत फैलाने वाली, जहर घोलने वाली बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो उम्मीदवार है, वो भी इसी तरह की बात करेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कुछ कहा है वो भी गलत बात है, लेकिन उसका जवाब जो नवनीत राणा जो आज सांसद है कहा है, बहुत ही शर्मनाक है। ये नफरत फैलाने वाले स्टेटमेंट को की वजह से उन पे कार्रवाई की जाए, जो भी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन उचित ठहरे। शेरनी बनकर एक खानदानी परंपरा के सीट पर लड़ रही है और कांग्रेस भी एक डमी कैंडिडेट देते हैं MIM को सपोर्ट करने के लिए, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, दूसरे के यहाँ से लड़के ओवैसी जी ने देखना चाहिए कि असली ताकत क्या होती है। पर माधवी लता जी के सपोर्ट में जिस तरीके से सभी विचारधार लेके जो हिंदुस्तान के साथ हैं, जो हिंदुस्तान को अपना आस्था मानते हैं, जिस धरती पे हम रहते हैं उसकी पूजा करते हैं, वो सभी मतदार इस बार माधवी लता जी को मतदान हैदराबाद में करेंगे।